एम को एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल मीडियम इंटरप्राइज़ेस को रिस्क सेक्टरल फोकस फॉर एग्जांपल आई का फंक्शन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करना नाबार्ड का फंक्शन है एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्निकल असिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट करती हैं ये डी इसके भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जैसे फंड कंस्टेंट हैं उनको

इनको एन और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बहुत सारे कंपटीशन होते हैं तो ये सब इश्यूज है रिस्क मैनेजमेंट इनको मेंटेन करके रखना पड़ता है एग्जांपल है आई नाबार्ड सीड ये सब एग्जांपल हैं इनके नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड को कॉर्नर स्टोन कहा जाता है रूरल डेवलपमेंट लैंडस्केप के लिए इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था नाइनटीन में नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत स्टेब्लिश हुई थी नाबार्ड का प्राइमरी मैंडेट है सस्टेनेबल और इक्विटेबल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना नाबार्ड का पहला फंक्शन है क्रेडिट प्रोविजंस, जिसके तहत ये एस एस को रूरल आर्टिसंस को एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव को क्रेडिट प्रोवाइड करती है यह रिफिनस सपोर्ट देती है रिफाइनेंस मतलब आर आर को रीजनल रूरल बैंक को कमर्शियल बैंक को कॉपरेटिव बैंक को रीफाइनेंस करती है इनको वो फाइनेंस करती है और आर आर पब्लिक को फाइनेंस करती है तो इस तरीके से इनको ये सपोर्ट करती है ताकि फ्लो ऑफ क्रेडिट मेंटेन रहे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रमोट करती है नाबार्ड नाबार्ड का फंड है जो सपोर्ट करता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इडिगेशन प्रोजेक्ट रूरल रोड वाटर ंजर्वेशन इनिशियटिव कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज मार्केट सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को भी प्रमोट करती है जैसे वाटर शेड मैनेजमेंट रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन नबार्ड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है जैसे एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती है ये माइक्रो फस इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करती है ये पॉलिसी एडवोकेसी और रिसर्च में भी नबार्ड अपना एक अहम रोल निभाती है जैसे रिसर्च कंडक्ट करती है स्टडीज़ कंडक्ट करती है पॉलिसी एनालिसिस करती है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पे कि किस तरीके से रूरल डेवलपमेंट हो रहा है नाबार्ड ने जो इनिशिएटिव लिए हैं हो रहा भी है या नहीं हो रहा है नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है तमाम चीज़ें वो अनालज़ करती है इनिशेटिव और इम्पैक्ट क्या है इसका रूरल क्रेडिट एक्सपेंशन में नाबार्ड का एक बहुत बड़ा रोल रहा है मिलियंस ऑफ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को सपोर्ट किया है नाबार्ड ने रूरल एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट किया है अग्री प्रेम को इन्होंने प्रमोट किया है नबार्ड के हेल्प के तहत एस एस को बड़ा फायदा हुआ है वुमेन जो रूरल एरियाज में हैं उनको क्रेडिट मिल पाया है वो सेविंग को सेविंग कर पाए हैं और वो इन्वेस्ट कर पाई हैं इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में नबार्ड का रूरल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल रहा है इरिगेशन प्रोजेक्ट में रूरल कनेक्टिविटी में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज में नाबार्ड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंदनिंग में भी बहुत बड़ा रोल निभाया है जैसे रूरल फिनंस इंस्टीट्यूशन को प्रमोट किया उनके गवर्नेंस को को प्रमोट किया फिनेंशियल मैनेजमेंट को अच्छा किया इनोवेटिव प्रोग्राम भी लाती रही है नाबार्ड टाइम टाइम पे जैसे रूरल इनोवेटिव फंड आरआईएफ, ट्राइबल डेवलपमेंट फंड टी डी एफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड एफ पी ओ डी एफ ताकि एक इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके इंक्लूसिविटी को लाया जा सके और इंटरप्रीनरशिप लाया जा सके रूरल तो एरियाज में नबार्ड के चैलेंजेस भी हैं कई सारे रिसोर्स मोबिलाइजेशन चैलेंज है कि किस तरीके से रिसोर्स को मोबिलाइज किया जाए किस तरीके से फंडिंग मोबिलाईज किया जाए टेक्नोलॉजिकल एडोपन एक बड़ा चैलेंज है टेक्नोलॉजी के साथ कैसे अपग्रेड किया जाए क्लाइमेट क्लाइमेट रेजिलियंस एक चैलेंज है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को कैसे प्रमोट किया जाए इंक्लूसिव ग्रोथ को कैसे प्रमोट किया जाए मार्जनलाइज कम्युनिटीज को विमेन को तो ये सब चैलेंजेस है इसके तो हमने देखा कि नाबार्ड की से फंक्शन करती है और क्या इसके चैलेंजेस है सिडबी वट इज सिडबी इट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिडबीज एस्टैब्लिश हुई थी 1990 में अंडर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इसका फंक्शन क्या है ये एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती है इनोवेशन को प्रमोट करती है और ग्रोथ को फैसिलिटेट करती है स्मॉल और मीडियम स्केल सेक्टर के लिए फंक्शंस शेड्यूल के क्या-क्या है ये क्रेडिट पहला क्रेडिट फंक्शन जो एमएसएमई को ये क्रेडिट प्रोवाइड करती है एनबीएफसी को सपोर्ट करती है ये रिस्क कैपिटल इसके दूसरा फंक्शन है जैसे ग्रोथ स्टार्टअप्स के लिए ग्रोथ स्टेज कंपनी के लिए रिस्क कैपिटल मैनेज करती है कैपेसिटी बिल्डिंग और एडवाइजरी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है एस के लिए एंट्रप्रेनरशिप के लिए बिजनेस इनक्यूबेटर्स के लिए पॉलिसी एडवोकेसी और डेवलपमेंट भी इनका फंक्शन होता है ये रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिसी एनालिसिस करते हैं ताकि एस एम फ्रेंडली पॉलिसीज बनाए जाए इनिशिएटिव फॉर इम्पैक्ट क्रेडिट एक्सेस एसएमई जो सेट भी है इनका सबसे बड़ा रोल ये रहा है कि, कि बिजनेसेस को एक्सपैंड करने में कैपेसिटी बिल्डिंग करने में टेक्नोलॉजी अपडेट अपग्रेड करने में इनका इनका बहुत बड़ा हाथ है वेंचर कैपिटल और इनोवेशन को ये प्रमोट करते हैं रिस्क कैपिटल को प्रोवाइड करते हैं मेंटरिंग प्रोवाइड करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल है एस को कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड करते हैं ये स्किल बिल्डिंग प्रोवाइड करते हैं नॉलेज और एक्सपर्टाइज देते हैं टूल्स देते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भी इनका रोल है किस तरीके से डिजिटली ट्रांसफॉर्म किया जाए कुछ चैलेंजेस भी हैं सीडबी के फिनंशियल कंसटेंट्स हैं टेक्नोलॉजिकल एडोप्शन है रीजनल डिस्पैरिटी है तो ये हमने देखा किस तरीके से वर्क करती है और क्या इसके चैलेंजेस है थैंक्स फॉर वॉचिंग वी विल शॉर्टली मीट विद नेक्स्ट इकोनॉमी कॉन्सेप्ट टॉपिक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और सेंड अस मैसेज ऑन व्हाट्सएप नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन